उत्तरकाशी में जनपद मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ता ने देश के विभाजन को लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आदित्य कोठारी का फूल मालाओं से स्वागत किया। उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1947 में विभाजन के कारण मानव जाति के इतिहास में सबसे विनाशकारी विस्थापनों में से एक देखा गया। साथ ही बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर भी उन्होंने बताया। वही गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य त्रासदी और उसके परिणामों को याद करना है, साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि देना भी है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। पूरे देश भर में विभाजन की विभीषिका के स्मृति के अवसर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे कि सभी को पता है कि 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। आज पूरे देश के लोगों के सामने ये चुनौती है कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ है वे कारण न रहें, उन कारणों के प्रति हमारा समाज, हमारा देश सजग रहे, सतर्क रहे, जागरूक रहे। इसी के लिए जागरूकता के तहत ये पूरे देश भर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और उस समय की जो परिस्थितियाँ रही हैं उन परिस्थितियों में कांग्रेस की भी भूमिका संदिग्ध रही है भारत और पाकिस्तान के विभाजन में। इसलिए आज हम पूरे देश को ये जागरूक कर रहे हैं कि कांग्रेस आज पुनः देश को कमजोर करने में लगी हुई है, कांग्रेस को अस्थिर, देश को अस्थिर करने में लगी हुई है। तो देश की जनता को कांग्रेस की भावनाओं से, कांग्रेस के कृतित्व से अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और इसका दंश उस समय जो लोगों ने झेला, क्योंकि कल देश के अंदर आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा और आज के दिन जो भारत से पाकिस्तान और उस समय जब अलग हुआ और उस समय जो लोगों ने, हमारे लोगों ने, हमारे तमाम लोगों ने जो दंश झेला उसके लिए, उसके लिए दिवस जो है मनाया जा रहा है। उन तमाम जिन्होंने उस समय जो शहीद हुए, जिन पे अत्याचार हुए, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया और जिस तरह से आज देश के अंदर और जो बांग्लादेश के अंदर तमाम जो हमारे हिंदुओं के साथ जो कत्लेआम हो रहा है उससे सभी जो हमारे लोग हैं वो चिंतित हैं कि इस तरह की जो जो बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार किया जाए उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की अगर होगी तो इससे जो है कहीं ना कहीं अराजकता का जो माहौल फैलेगा।